नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज देखते हैं। सागर में आज होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। 4,500 से ज्यादा उद्यमियों ने कराया पंजीयन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा की आज से होगी शुरुआत। बलौदा बाजार के गिरोदपुरी से होगा आगाज। पीसीसी चीफ दीपक बैज होंगे शामिल। रायपुर में जेपी नड्डा ने ली बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक। 10 लाख बढ़ाया गया सदस्यता लक्ष्य। अब 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। नशे के खिलाफ फिर फूटा कैलाश विजयवर्गीय का गुस्सा। कहा, नशेड़ियों को उल्टा लटकाओ, पुलिस को दी कैलाश ने नसीहत। इंदौर में नर्सरी की छात्रा से छेड़छाड़ पर मचा हंगामा। आरोपी बस कंडक्टर को पकड़ा गया। अभिभावकों ने किया स्कूल का घेराव। जबलपुर के मढ़ई इलाके में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। स्कूल तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप लगाया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात। राजस्थान के अजमेर में दरगाह को शिव मंदिर घोषित करने की मांग। कोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू संगठन ने किया दावा। गाजियाबाद में मदरसे में डांट पड़ने पर छात्र ने मौलवी पर किया हमला। धारदार चीज से मौलवी पर किया वार। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ। विनोद वर्मा पर हमले के मामले में जांच जारी। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर डाले हथियार। नारायणपुर के अबूझपाड़ में 49 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर। हथियारों का जखीरा बरामद। 120 घंटे चला सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। ग्वालियर में ई रिक्शा और ऑटो का स्टंट। एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर स्टंट करने का वीडियो आया सामने। वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के अंदर भगवान राम का भजन। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने गाया भगवान राम का भजन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डेटा सुरक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। आधार पैन कार्ड का डेटा सार्वजनिक करने के मामले में कई साइट्स को किया ब्लॉक। चीनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्यूजन पीविन की बड़ी साजिश का ईडी ने किया पर्दाफाश। ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए भारत से पहुंचे चीन। ईडी ने चीनी नागरिकों के 25 करोड़ की क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए। सहारनपुर में महिला आरपीएफ जवान के साथ भिड़ी महिला। बीच सड़क पर जमकर हुई नोकझोंक। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शांत कराया। भागलपुर में बीडीओ ने ग्रामीण से चलवाया पंखा। तटबंध का जायजा लेने पहुंचे थे अधिकारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।